नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आपके बीच एक बार फिर से एक नए सेशन के साथ उपस्थित हूं। बहुत देर हो चुकी है लेकिन बात करना तो जरूरी है। आज हम बात करेंगे जिस मुद्दे पर, वो मुद्दा है कि हम हाउ टू ब्रिंग सेल्फ कंट्रोल, हम अपने आप को कंट्रोल में, आत्म केंद्रित या स्वयं को कंट्रोल या नियंत्रित कैसे रखें। मुद्दा तो बड़ा है क्योंकि हम दूसरों को शिक्षा तो दे देते हैं, हम दूसरों के लिए कानून बना सकते हैं, दूसरों के लिए लेक्चर दे सकते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर सकते हैं, उनको सुना सकते हैं, लेकिन हम स्वयं कंट्रोल नहीं कर पाते। और दूसरी बात, कुछ उन विद्यार्थियों की हम बात करें जो सेल्फ कंट्रोल नहीं ला पाते हैं, तो मुद्दा वही है कि हम सेल्फ कंट्रोल कैसे लाएं, खुद पे नियंत्रण कैसे लाएं। फर्ज करिए कि आप नियंत्रण नहीं लाते हैं तो परिणाम भी तो सोच लेना चाहिए कि आगे परिणाम क्या हो सकता है। हो सकता है कि आप अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं रखे हैं और सपोज करिए कि आपको खाने की बड़ी अच्छी लत है, आप खाते बड़े चाव से हैं, तो कितना खाएंगे आप? ऐसा होगा कि ओवर ईटिंग या ग्लटन, इंग्लिश में एक वर्ड है ग्लटन, आप हो जाएंगे और परिणाम ये होगा कि आप ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। कुछ लोगों को दवा खाने की बड़ी आदत है, मैं देखता हूं कि उनको जरा सा कुछ हुआ नहीं कि दवा खा लेते हैं, वहां भी सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। अगर कोई दवा गलत खा लिए या अधिक आवश्यकता से अधिक दवा खाते हैं तो परिणाम गलत होता है, परिणाम ये होगा कि किडनी डैमेज होगी, स्वास्थ्य खराब होगा। कुछ लोगों को देर से सो के उठने की आदत है, चाहे कोई काम ना हो तो वो फोन ही चला करके बहुत देर से सोएंगे और सुबह देर से उठेंगे, तो परिणाम क्या होगा कि देर से सो के उठने वाले, हमेशा चाणक्य ने कहा था कि देर से सोकर उठने वाले जानवर के समान होते हैं। तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ, जानवर भी पहले उठ जाते हैं, उनको देखेंगे बहुत पहले उठ जाते हैं, तो फिर आपके लिए क्या है, आपको समय से उठना चाहिए। अगर आप इन सारे बिंदुओं पर देखें तो आप बिना सेल्फ कंट्रोल के कोई भी काम करके सफल नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए आपको 12 बजे दोपहर में ट्रेन पकड़नी है, तो 11:30 बजे अगर सो के उठेंगे तो तैयार होकर ट्रेन पकड़ना आपके बस की बात नहीं है। और है आप में से कुछ की आदत कि वो 11:30 बजे सो के उठते हैं, जानबूझकर देर करते हैं, एक ट्रेंड सा बन गया है, देर से सोना और देर से सुबह जगना, ये ट्रेंड सा बनता जा रहा है, तो ये इसको हटाना है, इसको त्यागना है। क्यों? क्योंकि आपको अपने रूटीन में अच्छाइयां डालनी हैं, आप अपने रूटीन को अच्छा करें, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा और लोगों को आप एक अच्छा इम्पैक्ट दे पाएंगे। अगर आप टीचर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने छोटे भाई को या अपने स्टूडेंट को क्या शिक्षा देंगे जब आप खुद ही 10:11 सो के उठते हैं। तो इस तरह से सेल्फ कंट्रोल, वो हो सकता है कुछ लोगों को मिठाई खाने की आदत है, आवश्यकता से ज्यादा मिठाई खाते हैं, तो अगर वो खुद पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कल को उनको डॉक्टर को जाकर के और इंसुलिन या शुगर की दवा लेनी होगी। इसी तरह से हमने देखा है कि कुछ लोगों को खरीदारी की बहुत आदत होती है, आए दिन वो चाहते हैं बहुत खरीदारी करें, मार्केट गए नहीं कि कुछ खरीद लाए, तो फिर महीना खत्म नहीं हुआ, उनकी तनख्वाह खत्म, पैसा खत्म, परेशान रहते हैं और दूसरों से उधार मांगते फिरते हैं, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, अच्छा हमको दे दीजिए, एक बार और दे दीजिए, बार बार उधार लेते हैं। परिणाम ये होता है कि वो उधार लेने में माहिर हैं और लोग उधार देने में माहिर हैं, कर्ज पे कर्ज दबता जाए, तो अंत में ये होता है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज बेच करके तब वो अपना कर्ज चुकाते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले
आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। परिणाम सोच लीजिए, अगर आप आवश्यकता से अधिक खाते हैं, आवश्यकता से अधिक पैसे खर्च करते हैं, आवश्यकता से अधिक समय नष्ट करते हैं, तो खुद को नियंत्रित करने की जरूरत है। अगर आप खुद को नियंत्रित करेंगे तो मैं निश्चित हूं कि आपको उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आए दिन लोग करते जा रहे हैं। और एक बात और, समय का ख्याल रखें, समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय को आप अपने नियंत्रण में रखते हैं, खुद को नियंत्रण में रखते हैं, समय के हिसाब से चलते हैं, तो आप आगे जाएंगे, अन्यथा समय आपको पीछे छोड़ देगा। और जो समय में पीछे छूट जाते हैं वो फिर आगे नहीं निकल पाते, उनके बस का नहीं होता। और आवश्यकता से अधिक दोस्तों को समय देना भी गलत है। दोस्ती करिए, फ्रेंडशिप करिए एक लिमिट में। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फ्रेंड ना बनाएं, आपके पास फ्रेंड होने चाहिए, आप फ्रेंड हो, लेकिन उनको समय है, जो इंपॉर्टेंट समय है वो अपने अपने करियर में या अपने एजुकेशन में लगाएं। आप सक्सेसफुल हो जाएं तो थोड़ा समय खर्च करें, कोई दिक्कत नहीं है। समय तो आप, चाहे आप रोजगार में हैं, बिना रोजगार के हैं, स्टूडेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, समय तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं जो आए दिन दोस्तों को लेकर चौराहे पर घूमते रहते हैं, और परिणाम ये होता है कि एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, दोस्त देते हैं कि कोर्स पूरा नहीं था, तो या फिर हमको सुविधाएं नहीं मिली, या मैं तैयार नहीं था, फिर एक बार फेल होते हैं, फिर दूसरी बार जाते। इस तरह से आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल सोच करके ही लाया जा सकता है। आप अगर सोचें, केवल विचार करें, विचार आपका विचार ही है जो आपको सेल्फ कंट्रोल के दायरे में ला सकता है। अगर आप विचार अच्छे से रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपको, आप खुद पे नियंत्रण कर लेंगे। क्योंकि आप अच्छा सोचेंगे तो आप अपने परिणाम के बारे में भी सोचेंगे, चाहे वो किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदेह होती है। आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।